फ्रेंड्स, वेलकम टू एल। मैं हूं प्रदीप और आज हम इस वीडियो में ऑर्डर प्लेसिंग लेटर के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ऑर्डर प्लेसिंग लेटर होता क्या है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं और आप बल्क में या होलसेल में कोई सामान खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली आप एक होलसेलर के पास जाएंगे और उन्हें ऑर्डर देंगे और वो आपके ऑर्डर को सप्लाई करेंगे। और यही बात आप लेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं हम ऑर्डर प्लेसिंग लेटर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा, और सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है जो लेटर लिख रहा है उसे अपना एड्रेस लिखना होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर प्लेस करेगा हमें उसका एड्रेस लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज न्यू दिल्ली, और आप इस एड्रेस को लिखने के लिए मैक्सिमम दो लाइन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लाइंट छोड़ते हुए डेट ऑफ राइटिंग लिखनी होगी। जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की आपको डेट लिखनी होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 12th February 2019। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर एक लाइन छोड़ते हुए आपको लिखना होगा रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं आपको उसका एड्रेस लिखना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैसर्स चौहान स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ये है रिसीवर्स एड्रेस, और यहाँ पे मैंने मैसर्स यूज़ किया है। मैसर्स तब यूज़ करते हैं जब हमें मिस्टर का प्लूरल फॉर्म बनाना होता है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं उसमें केवल एक ऑनर नहीं होता, उसमें दो से तीन ऑनर होते हैं। तो हम सभी के लिए मिस्टर तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमें वहाँ पे लिखना होगा मैसर्स। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं एक लाइन छोड़ते हुए, फिर आपको लिखना होगा सर, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कोमा ऐड करें, और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ते हुए आपको लिखना होगा ऑर्डर फॉर सप्लाइंग, और सप्लाइंग के बाद यहाँ पे आप जो भी स्टफ़, जो भी आप मटेरियल और जो सामान आप चाहते हैं यहाँ पे इस ब्लैंक के अंदर आप उसे फिल करेंगे, उसे लिखेंगे। और अब हम बात करते हैं लेटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ बॉडी। तो फ्रेंड्स, हम इस लेटर की बॉडी में क्या लिख सकते हैं और इस लेटर को किस तरीके से शुरू करें? तो आप इस लेटर की शुरुआत इन लाइन से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है एज़ पर द टेलीफोनिक सेटलमेंट बिटवीन यू एंड अस ऑन 22nd February 2019। फ्रेंड्स, ये जो एज़ पर है ये हमारा फ्रेज है, और इसका मतलब है के अनुसार 2nd February 2019 को आपके और हमारे बीच में जो टेलीफोनिक सेटलमेंट हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसके अनुसार। आगे लिखा है आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका मतलब है कि मैं एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ टू योर फर्म, यानी आपकी कंपनी को मैं एक ऑर्डर दे रहा हूँ। आगे लिखा है टू सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डैश, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप हमें सप्लाई करें द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डैश। यहाँ पे डैश में आपको उन स्टफ का, उन मटेरियल का नाम लिखना है जो आप ऑर्डर करना चाहते हैं। The items must be as per specifications. इसका मतलब है कि items जो हम order कर रहे हैं वो अपनी specifications के according होना चाहिए। Specification का मतलब होता है फ्रेंड, जो आपने हमें details दी थी, जो आपने हमें description दिया था, वो सारी की सारी items उन्हीं descriptions के according होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक line छोड़ के यहाँ पर सबसे पहले serial number लिखना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा नेम ऑफ आइटम्स, और उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा वन, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम फुटबॉल्स, यानी कि ये हमारा आइटम का नाम हो गया। फिर उसके बाद हमें नंबर ऑफ आइटम्स लिखना होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हमने 12 pairs, यानी हमें 12 pairs चाहिए किसके, फुटबॉल्स के। फिर उसके बाद जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं आप यहाँ पे सीरियल वाइज लिखते जाइए। उसके बाद हमें सेकंड पैराग्राफ बनाना है, और सेकंड पैराग्राफ में हमें लिखना है प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, कृपया इस बात को ध्यान में रखें दैट एवरीथिंग शुड बी ऑफ अ फाइन क्वालिटी और अ स्टैंडर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ है, जो भी हम ऑर्डर कर रहे हैं, वो फाइन क्वालिटी की होनी चाहिए और उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इन ऑल रिस्पेक्ट्स हमारा फ्रेज है, जिसका मतलब है हर एंगल से, हर तरह से। फ्रेंड्स, आगे लिखा दीज आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट द एड्रेस मैंशन अबव। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो आइटम्स हैं वो जो एड्रेस हमने ऊपर मैंशन किया है उस पर पहुँच जाने चाहिए बाय 17 February 2019, यानी कि 17 February 2019 तक ये जो डिलीवरी है वो हो जानी चाहिए। आगे लिखा है पेमेंट विल बी मेड बाय कैश ऑन डिलीवरी टू योर सेल्स ऑफिसर, यानी कि जो पेमेंट है वो कैश ऑन डिलीवरी की जाएगी, आपके जो सेल्स ऑफिसर हैं उनको दे दी जाएगी। क्लाइंट छोड़ते हुए आपको थैंकिंग यू लिखना है, और उसके बाद योर सिंसियरली, और योर सिंसियरली के बाद आपको सेंडर्स नेम लिखना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा लेटर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऑर्डर प्लेसिंग लेटर, और जल्दी मिलूंगा मैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।